तो चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। अलवर जिले के सदर थाना इलाके के चिकानी कस्बे में दर्जे की दुकान करने वाले सोहनलाल अज्जातों की पीएफआई के नाम से जान से मारने और बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। आपको बता दें कि दर्जी को धमकी भरा पत्र 13 दिन पहले मिला है, जिसे लेकर के पीड़ित ने कल यानी शनिवार को रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पुलिस को मामले की सूचना मिलते ही मामले की जांच में जुट गई है। पीड़ित को 31 दिसंबर तक का समय मिला है। पत्र में दर्जी सरदार और कुमार की 3 दुकान खाली करने की धमकी दी है। तो कन्हैया लाल की तरह देखिए एक और टेलर को धमकी मिली है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, पीएफआई के नाम से सोहनलाल जाटव को धमकी मिली है अलवर से। ये जानकारी अलवर से इस वक्त की ये बड़ी जानकारी और जो धमकी मिली है वो भी हम आपको जो लिखा गया है वो तस्वीर टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पीएफआई की ओर से देखिए ये धमकी, दर्जी को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। पीएफआई की ओर से धमकी भरा पत्र मिला है, वो पत्र हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। 31 दिसंबर तक दुकान खाली करने को लेकर के यहाँ पर धमकी दी गई है। तो कन्हैया लाल की तरह देखिए अब एक और टेलर को धमकी भरा पत्र मिला है और जो धमकी भरा पत्र है वो भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर बम से सब नष्ट कर दूंगा ये लिखा गया है। पीएफआई की ओर से ये धमकी भरा पत्र मिला है। परिवादी श्री सोहनलाल निवासी चिकानी ने प्रकरण दर्ज कराया है कि इलेक्शन से पहले एक चिट्ठी जरिए डाक उनके यहाँ प्राप्त हुई, जिसमें उनकी जो दुकान है उसको 31 दिसंबर तक खाली करने की धमकी लिखी हुई थी और उसके अलावा और दो दुकानों का और हवाला था, जिसमें एक तो किराएदारी है और उसमें पीएफआई का हवाला दिया हुआ था। ये इलेक्शन से पूर्व की बात है, इलेक्शन जब चल रहा था उस दौर की बात। सन 71 से पहले तो खोखा था। सन 71 से मैंने ये दुकान का प्लॉट ग्राम पंचायत से खरीदा था, उसके बावजूद बनाने लगा तो पड़ोसियों ने कुछ वो केस कर दिया था, इसलिए पेशी पर जाते रहे। फिर हमने मिलकर आपस में राजीनामा कर लिया और उस समय से न पड़ोसी से न किसी गांव के से मेरी किसी से कोई न अनबन है, न कोई खटास है, न कोई। तो चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान।